नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में दो मित्र हैं, एक कांग्रेस का भक्त है और एक बीजेपी का भक्त है। चाहे अब भक्त कहें या जो भी हो उनकी भाषा में, लेकिन एक कांग्रेस के बारे में पोस्ट करता है और बीजेपी को गाली देता है, दूसरा बीजेपी के बारे में पोस्ट करता है और कांग्रेस को गाली देता है। ये सिलसिला उनका चलता रहता है। जब कभी भी मैं सो के उठता हूँ तो देखता हूँ कि उन दोनों के पोस्ट से मेरा फेसबुक का जो न्यूज़ फीड है वो भरा हुआ रहता है। खैर, मैं उन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। साथ ही साथ वो दोनों जो बीजेपी वाले भाई साहब हैं, वो कभी कभी 10 दिनों में कैसे दुबले हों, महीने में कैसे दुबले हों, या अपने पेट की चर्बी को कैसे कम करें, इससे संबंधित पोस्ट करते रहते हैं। और दूसरे भाई साहब जो हैं, जो कांग्रेस से हैं, उन्हें डायबिटीज़ है, तो वो डायबिटीज़ रिलेटेड चीज़ें, 5 दिनों में डायबिटीज़ कैसे ठीक हो, ये खाने से डायबिटीज़ ठीक होता है, इस तरह के पोस्ट करते रहते हैं। आज सुबह की बात है, वो दोनों मुझे पार्क में मिल गए, तो मैंने उनको देख के कहा, जो भैया आप दुबले तो नहीं नज़र आ रहे हो और आपकी डायबिटीज़ कैसी है। मैंने ये उन दोनों से एक नॉर्मल बातचीत के दौरान कही, तो दोनों ने कहा, क्यों क्या हुआ दुबला, मैं कैसे, मैं तो इतना मोटा हूँ ही, अभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ दुबला होने के लिए, पिछले 3-4 सालों से लगा हुआ हूँ। दूसरे भाई साहब जो डायबिटीज़ वाले थे, उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ है, ऐसे थोड़े 5 दिन 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उन्हें कहा, तो आप लोग जो फेसबुक पर जो पोस्ट करते हो, जो डायबिटीज़ ये खाने से डायबिटीज़ 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगी और ये ऐसा खाने से चर्बी निकल जाएगी, आप दुबले पतले हो जाओगे, तो इसका क्या मतलब है। तो बोलता, हम तो उसे ऐसे ही पोस्ट कर देते हैं, हमारे पास आता है, हम उसे शेयर करके आगे बढ़ते जाते हैं। ओह, फिर मैंने उन्हें कहा, अच्छा तो फिर वो राजनीति संबंधी बातें जो आप बीजेपी या आप कांग्रेस वाले एक दूसरे को गाली देते हो या करते हो, तो उसका क्या तात्पर्य है, वो भी ऐसे ही बस। फिर वो दोनों ने मुझसे कुछ बात नहीं की, अपने अपने काम में लग गए। मैं वापस घर आया, अपने फेसबुक पेज को खोला तो देखा उन दोनों ने मुझे अनफ्रेंड कर दिया था। चलो, एक तो पीछा छूटा उनके न्यूज़ फीड से, लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि राजनीति अपनी जगह पर है, लोग अफवाहें ज़्यादा फैला रहे हैं और फेसबुक एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। यानी कि फेसबुक, सोशल मीडिया, जो व्हाट्सएप, आप ट्विटर, इस तरह की चीज़ें एक बहुत बड़ी माध्यम बन गई है लोगों को गलत न्यूज़ की ओर ले जाने के लिए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप राजनीति, स्वस्थ राजनीति करें, इस तरह से किसी को, किसी भी तथ्य या कोई भी वीडियो या कोई भी न्यूज़ शेयर करने से पहले चलो उसकी वास्तविकता को जान लीजिए। नहीं तो फिर यही होगा, ना कोई 5 दिनों में डायबिटीज़ ठीक होगी, ना 1 महीने में आदमी 90 किलो से 70 किलो का होगा। जय हिंद।